हेलो गाइस, वेलकम बैक राज टेलर्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बातें करेंगे अपने कि अपना जो काम है इसको कैसे बड़ा करें, कैसे अपने ये स्टार्टिंग करें कि अपना काम बड़ा हो जाए, मतलब कि एक बड़े लेवल तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को क्या क्या बातें को फॉलो करना होगा, क्या बातों का ध्यान रखना होगा, वो सब चीज़ें बताएँगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। दोस्तों, मैं जब घर से आया था तो मैंने एक मशीन थी मेरे पास शॉप पर लगाने के लिए। आज दोस्तों मैंने 4 मशीन लगा दिए हैं। वो सब कैसे हुआ, कैसे होगा, वो सब आप लोगों के साथ मेंशन कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। दोस्तों, इसमें सब चीज़ें बताऊँगा कि आप अपने काम को छोटे लेवल से बड़े लेवल तक कैसे लेके जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बातें करते हैं शुरू अपने किस तरीके से अपने काम को आगे लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टाइम है जो वो शो ऑफ का है। दोस्तों, सबसे पहले आपको शो ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों लोग तभी ही अपने साथ जुड़ेंगे जब अपने शो ऑफ को करेंगे। यानी कि शो ऑफ करना बहुत ज़रूरी हो चुका है इस टाइम पे, तो अब टाइम चल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना शो ऑफ करना होगा, और इसके बाद में जो लोग हैं जुड़ेंगे उनको फिटिंग अच्छी देनी होगी। जैसे वो कह रहे हैं, पहले आप उनकी बात सुनिए कि वो कैसा कपड़ा चाहते हैं, कि हमारा कपड़ा कैसे स्टिच हो, कैसे बने। आप लोगों को वो चीज़ बना के देना होगा, और काम में एकदम बढ़िया क्वालिटी में करके देना होगा। दोस्तों, पहले नंबर पे तो आपको काम साफ करके देना ही, अच्छा करके देना ही है। और दूसरी बात यह है कि आपको टाइम का ध्यान खास तौर पे देना होगा। कि जब किसी बंदे ने बोला है कि इस टाइम पे मेरे को मेरा काम चाहिए, तो आपको उस टाइम पे बना के देना होगा। अगर टाइम नहीं है तो आप बुकिंग मत लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर टाइम है तो बुकिंग लीजिए, और बुकिंग के बाद में आपको वो टाइम टू टाइम काम देना होगा उसके ऊपर के। अगर नहीं करके दोगे तो पहले मैं दोस्तों उसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। दोस्तों, काम क्यों टाइम पे करके देना होगा? दोस्तों, क्योंकि उसका कोई प्रोग्राम या पार्टी वगैरह है, तो वो मतलब अपने जो फॉर्मल सूट बना रहे हैं उसके ऊपर ही उसने सोच रखा है कि वो ही पहनना है। तो आप वो नहीं करके दोगे तो आपका वहाँ से कस्टमर आपका टूट जाएगा, वो आपका जो ग्राहक है वो टूट जाएगा, क्योंकि उसको वो सूट चाहिए था और आप लोगों ने बनाया नहीं, तो वो फिर से तो आएगा नहीं आपके पास। अगर वो फिर से आए तो आपको टाइम टू टाइम उसको काम करके देना होगा। तो इस तरीके से वो जुड़ा रहेगा आप लोगों के साथ, जुड़ा रहेगा तो आपका काम चलेगा। आप सबसे पहली बात तो ये कि आप काम अच्छा करके दे रहे हो, अच्छा करके दे रहे हो तो वो टूटेगा नहीं, वो किसी और को भी लेके आएगा साथ में। इस तरीके से अपना काम इंक्रीज अपने आप होगा, ठीक है दोस्तों। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को 2 पॉइंट बताए कि अपना काम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसी बातें और सुननी हो, समझनी हो कि अपना काम कैसे बढ़ाएं, कस्टमर कैसे जोड़ें, वो सब चीज़ें आपको और बता देंगे अगर आप लोग कमेंट करके बोलोगे तो। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक भाई के लिए बनाया है। वो पूछ रहा था कि अपना काम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसके लिए ये स्पेशल वीडियो बनाया है। दोस्तों, मेरे को नाम तो नहीं उसका याद आ रहा कि क्या नाम था, उसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ था, तो मैंने उनके लिए ये वीडियो बना दिया, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, अब आपको शॉप का व्यू दिखाते हैं, कैसी शॉप का व्यू है, कैसे मशीन और लगाई है। पहले अपने 3 मशीन थे, अब एक और लगा दिया, 4 मशीन हो चुके हैं। तो चलिए अब आप लोगों को देखो। दोस्तों, आप लोगों को पता था कि अपने पास 3 मशीन लगे हुए हैं, एक और मशीन लगा दिया है। ये देखिए दोस्तों, एक नंबर ये मशीन हो गया, सेकंड नंबर पे ये मशीन हो गया जिस पे मैं बैठता हूँ, तीसरे नंबर पे ये जो लड़का बैठा हुआ है इसके पीछे एक और है। दोस्तों, अपने पास अब टोटल 4 मशीन हो चुके हैं। 5 नंबर पे काज वाला मशीन है। अब दोस्तों, कमी एक रह रही है ओवरलॉक की, कि वो भी जैक का लगा दें दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये देख लीजिए, और इस तरीके से है कुछ। यहाँ पे भी हम प्रेस के लिए ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्टूल ऐड कर रहे हैं जल्दी ही, यहाँ पे उसके ऊपर प्रेस का काम किया करेंगे, जो नीचे कर रहे हैं वो हटा देंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से है कुछ शॉप का ये अभी व्यू, आप लोग देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे पेंट लगा रखे हैं, देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।